क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का तीसरा बड़ा अपसेट, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। वनडे क्रिकेट की तारीख में अफगानिस्तान ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 282 रन बनाए। इमामुल हक के 17 रन बनाकर आउट होने के बाद अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। बाबर आजम ने 92 गेंदों पर 74 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें एक छक्का और 4 चौके शामिल थे। अब्दुल्ला शफीक ने 2 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 58 रन बनाए। मजमूई स्कोर में मोहम्मद रिजवान ने 8 और साउथ शकील ने 25 रन का इजाफा किया। शादाब खान और इफ्तिखार अहमद 73 रन की शराकत कायम करके स्कोर को 282 रन तक ले गए। दोनों ने 40-40 रन बनाए। अफगानिस्तान के नूर अहमद ने 3 और नवीन उल हक ने 2 विकेटें हासिल की। अफगानिस्तान ने 283 रन का हदफ 49 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। ओपनर्स रहमानुल्ला गुरबाज और इब्राहिम जदरान ने टीम को 130 रन का आगाज देकर हदफ का ताकुब आसान बनाया। रहमानुल्ला गुरबाज ने 1 छक्के और 9 चौकों की मदद से 65 रन बनाए। इब्राहिम जदरान ने 10 चौके लगाते हुए 87 रन की इनिंग्स खेली। ओपनर्स के आउट होने के बावजूद अफगानिस्तान ने मतलूबा रन रेट के मुताबिक बैटिंग की और 49 ओवर्स में 2 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। रहमत शाह 77 और हशमतुल्ला शाहिदी 48 रन पर नॉट आउट रहे। इब्राहिम जदरान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अफगानिस्तान के हाथों नाकामी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि इस शिकस्त से टीम को दुख हुआ है, बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं थी। मैच के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अफगानिस्तान टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम क्लिक नहीं कर पा रही, फील्डिंग पर फोकस पूरा नहीं हो रहा, हमारे प्लान कामयाब नहीं हो रहे, कोशिश होगी कि आने वाले मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर कामयाबी समेटें।